अनुपमा में आज अनुपमा का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। कितने सपने देखे थे उसने, उसे लगा था कि उसके पति वनराज को उसका जन्मदिन याद है। ये जो पार्टी सेलिब्रेट करने की बात हो रही है, रात में पूरे घर को सजाने की बात हो रही है, अच्छे पकवान बनाने की बात हो रही है, और वनराज जाते समय अनुपमा को गजरा लगाने तक को कह गया है और अच्छे से तैयार होने को कह गया है। अनुपमा को पूरा यकीन है कि वनराज को उसका बर्थडे याद है, ये सब कुछ उसी लिए हो रहा है। पर रात को यहाँ पर आप देखेंगे इस पार्टी में बहुत सजी धजी, बहुत खूबसूरत लग रही है हमारी अनुपमा, लेकिन यहाँ पर वनराज ये पार्टी अनुपमा के लिए नहीं, अपनी ऑफिस की कलीग काव्या के लिए कर रहा है, जो उसकी सेक्रेटरी है, जो उसके लिए काम करती है उसके ऑफिस में। यहाँ पर पूरे घर का ख्याल रखने वाली अनुपमा का दिल आज टूट जाएगा, और वनराज और पूरे घर में उसके बेटे के अलावा किसी को पता भी नहीं है कि आज है अनुपमा का बर्थडे। उसके साथ जो काम करने वाली बाई है उनको पता है कि आज भाभी का बर्थडे है, इसीलिए उन्होंने नई साड़ी पहनी है, फूल लगाया है। अनुपमा बहुत अच्छे से तैयार होती है, पूरा श्रृंगार करती है, लेकिन शाम को जब केक पर उसका नाम ना होकर काव्या का नाम देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। काव्या को ये बात पता चल जाती है कि आज अनुपमा का बर्थडे है, क्योंकि बाद में बच्चे इस बात को क्लियर कर देते हैं, खासकर अनुपमा का बेटा जो बता देता है कि आज माँ का जन्मदिन है। काव्या वो कटा हुआ केक, वो उसकी सक्सेस पार्टी का केक जब वो अनुपमा को खिलाने की बात करती है तो अनुपमा कहती है तुम्हारी सक्सेस पार्टी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रमोशन का केक मेरा बर्थडे केक कैसे हो सकता है। अनुपमा वो केक को नहीं खाती। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा जो उसके अंदर गुड़ है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छी कुक है, और कई बार वनराज भी उसे ये ताने मार चुका है कि तुम सिर्फ और सिर्फ किचन के लिए बनी हो। वो अपनी इसी गुड़ को आगे बढ़ाएगी, उसका बेटा जो उसे सपोर्ट करेगा वो अपने इसी जो उसके अंदर ये क्वालिटी है इसको आगे बढ़ाएगी, और जल्द ही वो एक कुक की जॉब के लिए मिलने जाएगी और वहाँ पर अनुपमा की जॉब भी लग जाएगी। जी हाँ, एक प्रोमो आया है जो आपने देखा होगा। अनुपमा इसके बाद जॉब करने लगेगी और अपनी इस कुक की क्वालिटी को बढ़ाएगी। क्या वनराज उसे जॉब करने देगा? क्या अनुपमा की ज़िंदगी में खुशियां नसीब नहीं है? क्या अनुपमा खुद को बदलेगी? ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।